मैं केवल इतना ही कहूंगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की जनता में जो उत्साह कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहा हूं, माननीय मोदी जी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की अगर 80 में से 80 सीटें जीते तो कोई आश्चर्य नहीं करिएगा, क्योंकि 2014 में जब यूपी में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सपा की सरकार थी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 73 सांसद जिताए थे। अभी 7 सांसद और जिताने और 2014 की ताकत को याद करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सबसे मजबूत सरकार 2024 में बनाने के लिए आगे बढ़ना। कहेगा जो साइकिल अभी पंचर हुई है उसका इस यात्रा के बाद लोग टायर ट्यूब खोल करके ले जाएंगे, इतना फर्क पड़ेगा। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, सपा का असली चरित्र जानते हैं, अखिलेश यादव जी का असली चरित्र जानते हैं। वो ना गरीब के सगे हैं, ना बच्चों के सगे हैं, ना पिछड़ों के सगे हैं, ना अगड़ों के सगे हैं, ना अनुसूचित जातियों के सगे हैं, ना अल्पसंख्यक वर्ग के सगे हैं। वो केवल अपने परिवार के सगे हैं और उस परिवार के लिए वह सब कुछ करते हैं, लेकिन जनता यह जान गई है, इसलिए उनके परिवार का भी कोई सदस्य बनाए उनके हाथ में रहती थी जीत, आज भाजपा के पास है। फिरोजाबाद से वो जीतते थे, आज भाजपा के पास है। रामपुर में वो जीते थे, भाजपा आज जीत चुकी। आजमगढ़ उनके पास थी, वहां कमल खिल चुका है। तो चारों तरफ कमल की आंधी चल रही है। कमल है तो सुशासन है, कमल है तो सुरक्षा है, कमल है तो विकास है। आज बरेली का जो विकास है वो आपके कैमरे के अंदर कैद होना चाहिए, आपकी लेखनी के अंदर दिखना चाहिए। पता था एक फिल्म थी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ऐसा मैं बचपन में सुना करता था, लेकिन आज उसके नाते नहीं, आज ये भगवान भोलेनाथ की नगरी के नाते या आज विकास के नाते या आज स्मार्ट सिटी के नाते जाना जा रहा है। और जनता का समर्थन ही सबसे बड़ा समर्थन होता है। लोगों ने कमल का बटन दबा करके लगातार दूसरी बार हमारे महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम जी को 56,000 मैंने अभी सुना 56,000 वोटों से जिताया है, पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिताया है। और सपा के पिछली बार भी महापौर नहीं थे लेकिन पार्षद उनके ज्यादा थे, इस बार उनके पार्षदों की संख्या बढ़ गई है। इसे सपा गुंडों का साथ छोड़ करके, अपराधियों का साथ छोड़ करके, माफियाओं का साथ छोड़ करके देश की जनता की प्रदेश जनता की सेवा करें, पूरा न्याय मिलेगा। उस जांच करें देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।